नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हरियाणा सर्कल ने 24/3/2020 को एक लेटर निकाला है, जिसमें प्रिफ्रेंस जो है 2017 में जिनका सिलेक्शन हुआ SSC के तहत PASA के लिए, जिनको भी हरियाणा सर्कल अलॉट हुआ है उनके लिए ऑप्शन या प्रिफरेंस फॉर्म जारी कर दिया गया है। इसमें आपको डिवीजन और कैडर का चुनाव करना है। तो मेन जो पॉइंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ जल्दी से। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको रैंक कैसे मिलेगा। सबसे पहला जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो PWD कैंडिडेट को दी जाएगी, उसके बाद जो एक्स सर्विस मैन है उसको दी जाएगी, इसके बाद दो PWD और एक्स सर्विस मैन का हो जाएगा, उसके बाद जो रैंक जारी हुआ है रैंक के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा और डिवीजन प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो PWD कैंडिडेट है उनको पहली प्रायोरिटी, उसके बाद एक्स सर्विस मैन, उसके बाद बाकी जो कैंडिडेट हैं उनका नंबर आएगा। इसमें बोला गया है कि जो लोग अगर प्रेफरेंस कोई भी नहीं डालेगा, जो प्रेफरेंस फॉर्म है उसमें अगर प्रेफरेंस आपने कुछ भी नहीं डाला, डिवीजन कुछ भी नहीं डाला, तो पहले जिन लोगों ने डाला है उनको अलॉट कर दिया जाएगा, उसके बाद जो वैकेंसी बची रहेगी उसमें आपको दे दिया जाएगा। तो ये गलती आप कभी ना करें। आपको जितने भी आपके चॉइस है, चॉइस के अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड करके अपना टोटल प्रायोरिटी डिवीजन का भी और पोस्ट का भी, पोस्ट भी पूरा फिलअप करें और पूरा डिवीजन ही अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने होम टाउन के हिसाब से, जो भी नियरेस्ट हो उसके हिसाब से अपने फिलअप कर लें। और जो इसके लिए डेट रखा गया है वो 9 अप्रैल 2020 रखा गया है। इसमें आपको अगर मेल जो लोग करना चाहते हैं तो जो फॉर्म है उसका प्रिंटआउट निकालना है, उसको फिलअप करना है, फिर उस कॉपी को स्कैन करके इसी gmail ID जो दिया गया है apmgs.dop@gmail.com, इस पर आपको मेल कर देना है स्कैन कॉपी को। या फिर अगर बाई पोस्ट भेजना चाह रहे हैं तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आपको 9/4/2020 से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ऐसा करके आपको भेजना है। आगे डिटेल्स में क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे सारा वैकेंसी दे दिया गया है कि किस डिवीज़न के लिए कितना वैकेंसी है। जैसे पहला डिवीज़न है अंबाला, वहाँ के लिए टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें एक एक्स सर्विस मैन के लिए है और 6 जो है UR के लिए है, 1 SC के लिए, 2 OBC के लिए। वैसे ही भिवानी के लिए 5 है, फरीदाबाद के लिए टोटल 8 वैकेंसी है, गुड़गांव के लिए 13 वैकेंसी है, हिसार के लिए 9 है, करनाल के लिए 13 है, कुरुक्षेत्रा के लिए 6 है, रोहतक के लिए 10 है, सोनीपत के लिए 3 है, ऐसे करके टोटल 76 है। इसमें से 9 एक्स सर्विस मैन के लिए है, उसके बाद ये जो है फिजिकली चैलेंज जो है PWD कैंडिडेट उन सबों की वैकेंसी है। उसके बाद RMS 2 डिवीज़न है वहाँ पे, पहला RMS HR डिवीज़न अम्बाला है, जहाँ पे 14 वैकेंसी सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए है, और RMS DN डिवीज़न न्यू दिल्ली, यहाँ पे 7 वैकेंसी टोटल है, टोटल सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 21 वैकेंसी है। उसके बाद PA इन सर्कल ऑफिस, जो पोस्टल असिस्टेंट सर्कल ऑफिस के लिए हैं, उसमें आपको अम्बाला में पोस्टिंग मिलेगी, उसके लिए टोटल 3 वैकेंसी है, 2 जो है UR के लिए है और 1 जो है OBC कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद SVCO में है, SVCO में 2+4 यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, स्टार जो दे रखा है कि बैकलॉग वैकेंसी है, जो 2013-14 के लिए वैकेंसी आई थी SVCO में उसकी वैकेंसी खाली रह गई थी, तो इसलिए +4 हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे भी दो, मतलब टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी हो जा रहा है, बैकलॉग को मिला के टोटल वैकेंसी 10 हो जा रहा है SVCO में। तो इसके हिसाब से जो पोस्ट प्रेफरेंस बन रहा है हरियाणा सरकार के लिए वो 4 बन रहा है, PAPO मतलब पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग असिस्टेंट RMS ऑफिसेस, PA इन सर्कल ऑफिसेस एंड PA इन SVCO जो सेविंग बैंक कॉरपोरेशन होता है वहाँ के लिए। तो ये 4 पोस्ट प्रेफरेंस हो गए और डिवीज़न टोटल हो जा रहा है 9 जो है पोस्टल डिवीज़न है, उसके बाद 2 RMS डिवीज़न है, 1 सर्कल है और 1 SVCO है, मतलब 9, 2, 11, 12, 13 डिवीज़न। तो टोटल 13 डिवीज़न हो जा रहा है और जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो 4 पोस्ट प्रेफरेंस हो रहे हैं। तो ये सबको आपको फिलअप जरूर करना है, एक भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अपने पोस्ट के हिसाब से अगर जो पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस चाह रहे हैं तो पहला ही देंगे, पोस्टल असिस्टेंट सर्कल ऑफिस जो चाह रहे हैं उसके अनुसार से अपने प्रायोरिटी पहले डालना है, उसके बाद आपको डिवीज़न भी चूज करना है। ये जो है फॉर्म है जिसका प्रिंटआउट आपको निकाल के इसको फिलअप करना है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कैडर प्रिफरेंस 1, 2, 3, 4, इसमें से आपको 4ों में से फिलअप कर देना, पहला आपका चॉइस, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है। उसके बाद डिवीज़न के लिए भी दे रखा है, पहले 9 जो पोस्टल डिवीज़न है उसमें से आपको चॉइस क्या है, उसके बाद सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 2 जो चॉइस है वो आपको फिलअप कर देना है,
यहाँ पे साइन जो डिटेल्स ये है ये भी आपको जरूर फिलअप करना है, रोल नंबर, एड्रेस, फादर से हस्बैंड नेम, नेम और सिग्नेचर, ये करके फिर स्कैन करके इसको मेल करना है। और जो लोग बाई पोस्ट भेजना चाहते हैं तो इसको फिलअप करके इन्वेलप में डाल के जो एड्रेस दिया गया उस पर बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी बोलूँगा कि मेल करना ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर सब लॉकडाउन के कारण पोस्ट ऑफिस बंद है, चाहे कुछ प्रोसेस अच्छे से नहीं चल रहा। तो अगर ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप मेल कर देंगे तो। ये जो दिया है इसमें सारे कैंडिडेट के नेम दिए हुए हैं, किसका कौन से कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि ये चार कैंडिडेट जो नाम दिया है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहला जो मेरिट बनेगा, जहाँ भी PWD सीट है वहाँ पे इनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद से जो है ये जो है एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, जितने एक सर्विसमैन की वैकेंसी है उनके ये नाम है, दूसरा प्रायोरिटी इनको दिया जाएगा। उसके बाद जो नॉर्मल कैंडिडेट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, जो लोग नॉर्मल हैं इनका रैंक वाइज जो इनका चॉइस वाइज CHSL रैंक 19 है, कैटेगरी 9, कैटेगरी सिलेक्टेड भी, और कौन सा सर्कल हुआ है, सारे डिटेल्स है, उनका ईमेल आईडी है, एड्रेस जो है, फादर्स नेम, एड्रेस, सबका डिटेल्स यहाँ पर सब दिया गया है नेम के साथ। तो ऐसे करके जिनका जो है ये पोस्टल असिस्टेंट जिनमें सिलेक्ट हुआ है उनका रैंक क्या यहाँ पर दिया गया है, कैटेगरी सब दिया गया है, आप देख सकते हैं अपना। तो उसके हिसाब से आपका जो रैंक है, अपना पोस्ट चॉइस, होम टाउन, ये सब देख के ही अपना फिलअप जरूर करें। बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हैं, जैसे कि ये राजस्थान के हैं लेकिन इनको हरियाणा सरकार अलॉट हुआ है, ज़्यादातर हरियाणा से इन लोग को हरियाणा अलॉट हुआ है, लेकिन कुछ लोग बाहर के भी हैं जो आसपास के स्टेट के हैं उनको भी अलॉट हुआ है हरियाणा में। जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ, और नीचे जाने पर टोटल 1 से 10 के पोस्टल असिस्टेंट, मतलब PA जो है नॉर्मल, जो जनरल कैटेगरी ST OBC ये सब का मिला के हुआ, एक सर्विस मैन और PW को छोड़ सब लेके 1 से 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे। उसके अनुसार जो लास्ट CHSL रैंक है 4759 है, उनका सिलेक्शन हुआ है हरियाणा सर्कल के लिए। तो उसके हिसाब से आपका जो प्रिफ्रेंस बन रहा होगा, देखिए जैसे दिल्ली का एड्रेस है लेकिन हरियाणा मिला हुआ है रैंक ज़्यादा होने का, ये भी दिल्ली का एड्रेस है लेकिन हरियाणा मिला हुआ है। तो आप अपने हिसाब से अपना देख सकते हैं कि किसको कौन सा प्रिपरेशन डालना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। वैसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें पोस्ट प्रिपरेशन के बारे में ही बताया है कि कौन सा पोस्ट अच्छा होगा, किस पोस्ट के लिए कौन सा काम होता है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को भी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।